स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी कमेटी के चुनाव में हिस्सा लेने वाली पार्टियां संतों को अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। बीते दिन श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सिखी को आगे बढ़ाने और सिख नौजवानों को रोजगार, नए कॉलेज और संस्थाएं खोलने जैसे वादे किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम वादा गुरुद्वारा कमेटी के भ्रष्टाचार को रोकने की पहली प्राथमिकता दी गई है। आइए सुनते हैं सरदार परमजीत सिंह सरना को। देखिए, ऐसा है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हर वर्ग के लिए जो है शिक्षा में सुधार, हमारा जो स्टैंडर्ड इन्होंने पिछले 4 साल में धरती पे लाकर रख दिया है, उसको पहले से ऊपर ले जाना, बंद कॉलेजों को खुलवाना, गरीब इलाकों में कोशिश करेंगे 2-3 स्कूल अपने टेन्योर में खुलवाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक हम पब्लिक स्कूल ऐसा खोलेंगे जिसका जो कनेक्शन होगा वो हम कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उनसे हम लेंगे, बाहर के लेकर उसमें पढ़ेंगे, उसमें फिर 10-11वीं 12वीं के लिए IB का स्टैंडर्ड लाएंगे, और वो जो मीर सिख बच्चे दूसरों का स्कूलों में जाते हैं उनको भी शिक्षा जो है हमारे इंस्टीट्यूशन में ले। एक ये है धर्म प्रचार में सार्थकता लाने के लिए, बच्चों नौजवानों को वाणी और वाणी से जोड़ने के लिए, अमृत संचार के लिए, वाणी कंठ कराने के लिए, ये हमारे सारे प्रोग्राम हैं। उसके बाद जो है समाज सुधार के लिए हमारे यत्न होंगे, जो बिना दहेज के शादी वगैरह करवाएंगे उनके बारात का जो लंगर का खर्चा होगा वो सारी दिल्ली कमेटी उठाएगी, वो दिल्ली कमेटी का जिम्मे रहेगा। गरीब से कोई भूखा नहीं रहे, उसके लिए वो जब भी कोई ऐसा परिवार होगा तो उसके लिए राशन दिल्ली कमेटी फ्री देगी। जो मुलाजम है उनके लिए उनके बच्चों के फीस माफ़, उनकी तनख्वाह के लिए रेगुलेशन के लिए सरकारी तौर के पारदर्शिता लाई जाएगी, और उनके बच्चों की फीस माफ़ की जाएगी 2 बच्चों की, और बाकी के काम भी जो हैं वो उसमें मैंने लिखे हैं, डिटेल आप दे सकते हो। जो 84 के दंगों का इन्होंने बनाया सच की दीवार, हम वो बनाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। जिस तरह के वार मेमोरियल जर्मनी में, फ्रांस में, लंदन में बने हैं, उसी तरह ये जो मेमोरियल होगा ये 47 में जो सिख शहीद हुए हैं उनके लिए भी, और जो 84 में सिख शहीद हुए हैं कतरे गारत हुई है उसके लिए हम एक जो मेमोरियल है वो ऐसा बनाएंगे कि जो भी हिंदुस्तान के डिग्निटरीज दिल्ली आएगी वो वहाँ होते बगैर वापस नहीं जाएगी। बाला साहब स्टाइल तो देखो जी, इनकी कोई गुंडागर्दी जो पहले इन्होंने की थी अब सहनी होगी, बाला साहब बहुत जल्द शुरू करें। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।